क्या हुआ कल्पना, अब कैसी हो तुम? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। मैंने आपको धोखा दिया है। तुम्हें आराम की जरूरत है, बोलो मत। मुझे बोलने से मत रोकिए। अगर अब भी मैंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो फिर शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कल्पना? मैं जानती हूँ, जब मैं सच बता दूंगी तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी। आप मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे बाद बबलू के पिता भी आप हैं और माँ भी। बबलू का ख्याल रखना। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मरने से पहले मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहती हूँ, जिसे छुपाकर मैंने आपकी जिंदगी में दुख भर दिए थे। शादी से पहले मैं गुमराह हो गई थी, यही ना? मुझे सब मालूम है कल्पना। जब मैं पहली बार तुम्हें देखने आया था तब मैंने तुम्हारी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जब मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वो एक बार गुमराह हो चुकी है, तो एक पल सोच में ही पड़ गया। फिर ऐसा ख्याल आया कि तुम जैसी मासूम लड़की से अगर अनजाने में कोई भूल हुई भी हो तो क्या उसे भुलाया नहीं जा सकता? उस भूल को तुम दीदी के सामने मान चुकी थी और दीदी ने भी तुम्हें अपनाया था। और सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा था। शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी सेक्रेटरी का नाम लेकर तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई थी ताकि तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो और तुम अपना अतीत खुद मुझे बता सको, मगर तुम्हें ऐसा ना कर सकी। शायद तुमने मुझे सच के काबिल ही नहीं समझा। अगर उस वक्त मैं तुमसे यह कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है तो जिंदगी भर के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक लकीर खिंच जाती। 5 साल तक तुमने मेरा हर पल इतने सुखों से भर दिया कल्पना, जो शायद बाद में मेरे नसीब में नहीं थे। अचानक तुम मुरझाने लगी। एक दिन पता चला कि तुम किसी से डरती हो, किसी को पैसे देती हो। उसी का पता लगाने के लिए मैंने बबलू से पूछताछ की। कल्पना, इतनी सी भूल जो हुए परसों बीत गए, उसकी सजा तुम मुझे आज देना चाहती हो? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो?